और चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। स्वाति मालीवाल राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए पहुंच गई है। स्वाति मालीवाल के अलावा संजय सिंह और एनडी गुप्ता भी नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये यही तीन नाम हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित किए गए हैं। इनमें महिला कैंडिडेट स्वाति मालीवाल हैं, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं और अब राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने पहुंची हैं। उनके अलावा दो नाम हैं, संजय सिंह जो फिलहाल शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें नॉमिनेशन के लिए इजाजत मिली। संजय सिंह भी पहुंचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और उनके अलावा है एनडी गुप्ता, तो इन्हें भी यहां पर आपको बता दें, एनडी गुप्ता दूसरी बार नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं। और मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्या, नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा, लगभग दो घंटे हो गए हैं, तमाम जो तीनों उम्मीदवार हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, स्वाति मालीवाल, एनजी गुप्ता और साथ ही साथ संजय सिंह, तीनों ही इस वक्त ट्रांसपोर्ट विभाग सिविल लाइन में मौजूद है और 27 जनवरी को दिल्ली में राज्यसभा की तीन सीटें खाली होने वाली हैं। इन पर 19 जनवरी को चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 3 जनवरी से ही शुरू हो गई है। राज्यसभा में मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य हैं और बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के बाद देखें तो सांसदों के लिहाज से आम आदमी पार्टी चौथी बड़ी पार्टी है। इस बार देखिए कि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के जो 10 राज्यसभा के सांसद हैं दिल्ली और पंजाब को मिलाकर, उसमें अभी तक एक भी महिला सांसद नहीं रही और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने यह दाव लगाया है। अगर स्वाति मालीवाल की बात करें तो देखिए 2015 से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही और बड़े पैमाने पर महिलाओं के अधिकारों की बात वो लगातार हर प्लेटफॉर्म पर उठाती रही है। यहाँ तक कि अगर देखें तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने उन पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, क्योंकि एक अनियमितता का मामला सामने आया था भर्तियों को लेकर दिल्ली महिला आयोग में, लेकिन उसको भी स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से हैंडल किया। उसके बाद मणिपुर गई, वहां पर भी जिस तरह से गैंगरेप की जो शिकार हुई थी नाबालिग लड़की, उसके परिवार से बात की। बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें प्रखर तौर पर स्वाति मालीवाल उठाती रही है और उसी का जो तोहफा है आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को दिया है। तो लगभग दो घंटे हो गए हैं, तीनों ही जो उम्मीदवार हैं वो अंदर है। संजय सिंह को देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है, लेकिन उसके बावजूद संजय सिंह ने दो याचिका कोर्ट के सामने रखी थी। संजय सिंह ने कहा था कि उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना है और इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी। और संजय सिंह भी इस वक्त अंदर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिविल लाइन्स में मौजूद है और तीनों अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। सुशील गुप्ता जो है, पिछली बार वो राज्यसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार चूंकि वो हरियाणा चुनाव में पूरी तरीके से कहा जा सके कि व्यस्त हैं और उन्होंने ये कहा कि वो हरियाणा चुनाव को देखना चाहते हैं और इसी वजह से सुशील गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को उम्मीदवार बनाया गया। तो आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए स्वाति मालीवाल कहा जा सकता है कि एक ऐसा कैंडिडेट है जो पूरी तरीके से निर्विरोध है। अभी जो अंदर है, क्योंकि बहुत सी ऐसी तो देखना होगा कि जो रणनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाई गई है वो उसमें कितना सफल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, तमाम जानकारी के लिए।